दीपावली के दूसरे दिन यूं तो हर जगह गोवर्धन पूजा की जाती है, लेकिन शाहजहाँपुर शहर के गवली समाज द्वारा की जाने वाली गोवर्धन पूजा अपने आप में अनूठी है। यहाँ सुबह समाज की महिलाएं एक जगह इकट्ठी होकर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की अनुकृति बनाती है, जिसके बाद हर घर से खीर पूरी और मिठाई भोग लगाने के लिए लाई जाती है, जिसके बाद एक दिन के बच्चे से लेकर युवा तक गोबर के बने गोवर्धन लेते हैं। सामूहिक पूजा के बाद समाज के पुरुष हाथों में धानी और बताशे लेकर गोवर्धन पर्वत की सात परिक्रमा लगाते हैं, जिसके बाद शुरू होती है बच्चों को गोवर्धन पर्वत पर लेटाने की अनूठी परंपरा, जिसमें एक दिन के बच्चे से लेकर युवाओं को गोबर से बने गोवर्धन पर्वत पर लेटाया जाता है, जिसके पीछे गवली समाज की मान्यता है कि इससे बच्चों को किसी तरह की बीमारी नहीं होती। गोवर्धन पर्वत का बचा हुआ गोबर देवउठनी एकादशी पर समाजन अपने अपने घर ले जाते हैं, जिससे रसोई घर और पूजा घर में लिपा जाता है ताकि घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे। खास बात यह है कि आधुनिकता के बदलते दौर में भी समाजन अपनी अनूठी परंपरा को बड़े ही उत्साह और आस्था के साथ मानते हैं। समाज विशेष रूप से गोवर्धन पूजा करती है। गवली समाज में सबसे विशेष यह होता है कि हम सामूहिक रूप से गोवर्धन पूजा करते हैं। आज के दिन सामूहिक रूप से गोवर्धन पूजा करने का अलग अलग महत्व हमारे यहाँ बताया गया है हमारे बुजुर्गों द्वारा, कि हम जब सामूहिक गोवर्धन पूजा करते हैं तो हम हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को जब हम गोवर्धन पूजा में ले जाते हैं गोवर्धन पर्वत पर, उसमें लेटाने मात्र से किसी भी बच्चों को किसी भी तरह का चर्म रोग साल भर नहीं होगा। प्लस हम यहाँ पर दूध और खीर का भगवान को भोग लगाते हैं। आज हम प्रसाद के रूप में आज हम लेते हैं, हमारे युवा लेते हैं, तो साल भर तक वो निरोगी रहेंगे और ताकतवर रहेंगे। इसलिए आज हम गोवर्धन